दोस्तों, यूं तो इस दुनिया में बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं है। जी हाँ, एक ढूंढने पर हजारों मिल जाते हैं। हालांकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुद्धिमान होने का दावा तो करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल सवाल उनके सामने आता है, वैसे ही उनका तेज दिमाग कम हो जाता है। बहरहाल, हमें ये तो नहीं पता कि आपका दिमाग कितना तेज है, लेकिन आज जो सवाल हम आपसे पूछने वाले हैं, अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो हम मान जाएंगे कि आप वास्तव में काफ़ी होशियार हैं, यानी आपका दिमाग काफ़ी तेज़ है। वैसे बचपन में और कॉलेज में आपने मैथ यानी गणित का विषय तो ज़रूर पढ़ा होगा और अंग्रेज़ी भी पढ़ी होगी, तो समझ लीजिए कि आज का ये सवाल गणित और अंग्रेज़ी का मिला जुला मिश्रण है। यकीनन ये आपके लिए बहुत बड़ा हिंट है। वैसे तस्वीरों का खेल तो आपने काफ़ी खेल लिया, लेकिन अब ज़रा इस इक्वेशन को हल करके बताइए तो हम मानेंगे कि आप वास्तव में बहुत बुद्धिमान हैं। यकीन मानिए, इस क्वेश्चन को पढ़ने और देखने के बाद आपके दिमाग के तार भी हिल जाएंगे दोस्तों। मगर इस सवाल का जवाब देने से पहले कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। जी हाँ, मान लीजिए कि अगर आपको किसी इंटरव्यू के दौरान ऐसे ही किसी क्वेश्चन का जवाब देना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? इसलिए हम आपको इस क्वेश्चन को लेकर कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा और फिर इसको ध्यान से पढ़िएगा। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये दिमागी कसरत का खेल है दोस्तों, इसलिए इसमें केवल तेज़ आँखों की नहीं बल्कि तेज़ दिमाग की भी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्लस और माइनस की ये पहले किसी जानवर के नाम की तरफ इशारा कर रही है, मगर वो जानवर कौन सा है ये तो आपको ही पता करना पड़ेगा। बहरहाल, इस सवाल का जवाब देने के बाद सच में ये साबित हो जाएगा कि आप एकदम जीनियस हैं। हालांकि अगर ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद भी आपको इसका जवाब पता न चले तो परेशान होने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए इस पहले का जवाब भी लेकर हाजिर हैं दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए इस तस्वीर में आपको सबसे पहले एक हड्डी दिखाई देगी। अब हड्डी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अरे भाई, बोन कहते हैं। इसके बाद इसके आखिर में कान बना हुआ है, जिसे अंग्रेजी में यकीनन ईयर ही कहते हैं। वहीं इन दोनों शब्दों के बीच में एक लिखा हुआ है, जिसे अंग्रेजी में वन कहते हैं। यानी अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए तो बोन माइनस वन प्लस ईयर इज इक्वल टू बी प्लस ईयर। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम इसको पूरी तरह जोड़ दें तो बियर के अलावा यकीनन कोई शब्द नहीं बनेगा। तो देखा आपने कि ये इक्वेशन हल करना कितना आसान था दोस्तों। उम्मीद है आपको ये मज़ेदार जानकारी पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।